नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं गुजरात चुनाव पर एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। अभी मैं 3 दिनों के लिए गुजरात गया था, क्योंकि गुजरात में चुनाव चल रहा है, तो मैं सोचा चले एक बार चल चलते हैं और गुजरात की जनता का मूड समझते हैं। मैं गुजरात गया, सबसे पहले मैं देवभूमि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका गया। द्वारका मैंने देखा कि वहाँ पर माड़े जी हैं, जो पिछले 7 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं। 1990 में वो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, फिर कांग्रेस में चुनाव जीतते हैं, अभी भाजपा से वर्तमान में विधायक है वो। देवभूमि मैंने एक चाय वाले से पूछा कि इस बार आप किसको वोट दोगे। चाय वाले कहा कि साहब देखिए, बहुत यहाँ पे गंदगी है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने कहा वोट किसको देंगे। तो उसने कहा इस बार तो हमें बदलाव चाहिए। तो मैंने कहा बदलाव किसको, कांग्रेस? उन्होंने कहा नहीं, आम आदमी पार्टी चाहिए। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी क्यों चाहिए तुमको। तो उसने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पंजाब का इंस्पेक्टर आया हुआ था, वो चाय पी रहा था। तो उसने कहा भाई पंजाब में तो बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। तो कहता है कि मुझे ना अरविंद केजरीवाल मॉडल पसंद आया है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को वोट दूंगा। तो अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी तो बिजली पानी मुझे फ्री मिल जाएगी। ये उसके विचार थे। हालांकि जो मैंने महसूस किया वहाँ पर शहरों में, गाँव में, मैं द्वारका गया, जामनगर गया, दाहोद गया, अहमदाबाद गया, भावनगर गया, सूरत गया, इन सभी जगह जो मैं गया देखा, तो मैंने महसूस किया कि भाजपा के खिलाफ शहरों के मुकाबले गांव में जो है वो ज़्यादा सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। भाजपा 27 साल से गुजरात में शासन कर रही है, तो 27 साल प्लस आप मान चलिए 15 साल और, मतलब 42 साल, क्योंकि जब 15 साल का जो आदमी होता है ना, तब वो थोड़ा सा राजनीति को समझना शुरू करता है। मतलब जो 42 साल की जनता है, जो 42 साल जिनकी आबादी लगभग लगभग गुजरात में 60% है या 70% मान सकते हैं, ऐसे लोगों ने भाजपा के अलावा किसी शासन देखा ही नहीं है, उन्हें महसूस नहीं किया है। ये जो तबका है ना, दूसरा ये युवा वर्ग भी है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव में चूंकि अब उनको एक ऑप्शन मिल रहा है आम आदमी पार्टी का, कुछ लोग उम्मीदों के हिसाब से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ जो है। लेकिन समस्या क्या है ना, वहाँ पे आम आदमी पार्टी साथ में इनका संगठन वहाँ इतना मजबूत नहीं है अभी। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी वहाँ पर, मुझे जो लगा देख करके, कि कुछ जगह पर वो भाजपा को वोट काट रही है और कुछ जगह मुस्लिम क्षेत्रों पर वो कांग्रेस का भी वोट काट रही है। अगर वो कांग्रेस वोट ज़्यादा काटेगी तब तो भाजपा के लिए आसानी है, भाजपा जो है गुजरात चुनाव जीत जाएगी। अगर भाजपा को ज़्यादा काटेगी तो कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, सरकार वहाँ पर या तो भाजपा की बनेगी या कांग्रेस बनेगी। आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में सरकार बनाने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। भाजपा का सबसे बड़ा लाभ है चूंकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उनका गृह राज्य है, देश के गृह मंत्री अमित शाह उनका भी गृह राज्य है, और भाजपा के जड़े जो है गुजरात में मजबूत है। हमने देखा था जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री थे, उस टाइम पर भी अमित शाह जो है वो मोदी से हमेशा ज्यादा वोटों से जीतते रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन था कि अमित शाह जी का जो संगठन पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उस मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले भाजपा के आगे नहीं ठहरते हैं। भाजपा जो सत्ताविरोधी लहर का सामना कर रहे हैं इस टाइम पर, उसको जो है उम्मीद है भाजपा के संगठन से कि संगठन को चुनाव जिता देगा। इस चुनाव के लिए हम सबने देखा कि हार्दिक पटेल को कैसे भाजपा ने अपने यहाँ दल में बुलाया है। ये वही हार्दिक पटेल हैं जो भाजपा नीति को विरोध करते थे, भाजपा ने इनको जेल में भी डाला था, ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे वहाँ पर गुजरात पर, और उसके बाद सब कुछ हुआ। लेकिन अंततः जो है, देखिए राजनीति कैसे खेल खेलती है अपना, कैसे अपना रंग दिखाती है। हार्दिक पटेल जो चेहरा थे भाजपा विरोध का, आज वो भाजपा में है, भाजपा इनको टिकट भी दे दिया है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए, चांसेस ज़्यादा है कि चुनाव जीत जाएंगे। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर मंत्री बन जाते हैं तो राजनीति बहुत ही अजीब खेल है। इसको जनता जब तक समझती है ना, तब तक चुनाव हो जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें रिपीट हो जाती हैं। राजनीति समझना इतना इसलिए कहते हैं आसान नहीं होता, ना राजनीति
और न राजनेताओं, इन दोनों के समझना इसलिए माना जाता है कि आसान नहीं होता है। कब कौन सा नेता किस दल से कहां से चुनाव लड़ जाएगा कि कोई नहीं जानता है। इसीलिए कुछ नेता आपस में बातचीत करते हैं या जो पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को वो समझ रहना चाहिए, नेता कब पलटी मारेगा कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हमेशा सजग रहना चाहिए। आजकल मोदी अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं गुजरात में, जेपी नड्डा जी भी जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं पटेल जी वो भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। मोदी लगभग 125 विधानसभा को टच करने वाले हैं अपनी रैली रोड शो के माध्यम से, अमित शाह लगभग 150 विधानसभा को टच करेंगे, क्योंकि अमित शाह मोदी किसी भी हालत में गुजरात चुनाव हारना नहीं चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों के बीच वहाँ की उम्मीद दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से समस्या यही कि वो संगठन मजबूत नहीं कर पाए हैं। दूसरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, तो जाहिर सी बात है वो तो गुजरात में सीएम बनने वाले नहीं है। इमरान गढ़ी को इन्होंने अपने सीएम का उम्मीदवार बनाया हुआ है। इमरान गढ़ी गुजरात में की राजनीति में जाना पहचाना नाम है, जो पत्रकार थे तब उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए थे, इससे जनता के बीच में वो पॉपुलरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान गढ़ी विधायक बन जाएंगे, इसमें सियोरिटी है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही बस मामला वही फंस रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस पार्टी को ज़्यादा वोट काटेगी उसका नुकसान होगा, चाहे वो भाजपा काटेगी तो भाजपा नुकसान करेगी, कांग्रेस काटेगी तो कांग्रेस नुकसान करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा में अलग अलग दल का वोट काटती हुई दिख रही है, कहीं भाजपा को वोट काट रही है तो कहीं कांग्रेस का काट रही है। इसके अलावा वहाँ पर बसपा भी चुनाव लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, बट इनका कोई वहाँ पर वजूद नहीं, ये लोग शायद हो सकता है 1% वोट भी ना पाए। CPI भी लड़ रही है, CPM भी लड़ रही है, कुछ सीट पर JDU चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है, बट ये सब मिला करके जितने दल का भी मैं नाम लिया है ना, इन सब का वोट परसेंटेज अगर देखा जाएगा चुनाव के बाद तो 2% भी सब मिला के वोट नहीं पाने वाले हैं गुजरात में। मुख्य मुकाबला वहां पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही है। कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है सत्ता विरोधी लहर से, कांग्रेस के लिए अपनी उम्मीद दिख रही है, उन्हें लग रहा है कि चूंकि बहुत से युवा हैं शासन में देखे नहीं कांग्रेस का, हो सकता है कांग्रेस को चांस दे दें। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये लोग अपना पंजाब का और दिल्ली के मॉडल लेके गुजरात के गए हुए हैं, लेकिन केजरीवाल एक चीज समझे कि यही दिल्ली का मॉडल लेके उत्तराखंड भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, उत्तर प्रदेश भी गए थे, लेकिन वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी थी, अभी वो मॉडल लेके अपना गुजरात पहुंच गए हैं। अच्छा, जो गुजरात की पब्लिक है ना वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली से अलग टाइप की है, वहां के जो लोग हैं उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव होती है, वो भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, वहां का जो कल्चर वहां का जो रहन सहन वो उत्तर भारत से बहुत ज्यादा अलग है, वहां के लोग हैं वो अलग है। आपको गुजरात के जो लोग मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको देखेंगे बिजनेसमैन, आपको कहीं भी गुजराती जो है वो आपको दिल्ली में, आप कहीं साउथ में चले जाइए, मुंबई में थोड़ा बहुत आपको दिख सकते हैं गुजराती, क्योंकि बिजनेस पर्पज से कुछ लोग मुंबई गए हुए हैं, नहीं गुजराती आपको कहीं दिखेंगे नहीं, ये हमेशा वहीं में बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वहीं में नौकरी करते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं। क्योंकि गुजरात में फैक्ट्री बहुत है, काम बहुत है, उसका लाभ जब मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उन्हें उसका पूरा लाभ लिया, और गुजरात को उन्होंने एक मॉडल बना करके देश में पेश किया, उसका उनको लाभ मिला, जिस प्रधानमंत्री 14 में बने वो 19 बने, हो सकता है 24 में दोबारा मोदी जी तिवारा भी प्रधानमंत्री बन जाए, इसके चांसेस पूरे पूरे में हैं। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि 2029 में लड़ाई होगी कांग्रेस और भाजपा के बीच में कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2029 में मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जो उम्र है 75 वर्ष क्रॉस कर चुकी होगी, तो जाहिर सी बात है मोदी जी फेस नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन गुजरात आज चुनाव गुजरात भले हो रहा है, लेकिन वहां पर जो मुख्य जो चेहरा है ना वो भूपेंद्र पटेल ना होकर के नरेंद्र मोदी ही हैं। संगठन अमित शाह ने अपने हाथों में कमान ले रखी है, हिमाचल चुनाव जेपी नड्डा के हाथों पर है, तो जेपी नड्डा का हिमाचल अपना गृह राज्य है, अमित शाह का गुजरात है, और मोदी जी भी चाहते हैं भाजपा यहीं के प्रकार इस चुनाव को जीतेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हद तक लगता है कि भाजपा किसी तरह से ये गुजरात चुनाव को जीतने में सफल हो जाएगी। धन्यवाद।